अभय प्रशाल में 21 सितंबर से 25 सितंबर तक इंडियन ऑयल द्वारा इंटर रीजन स्पोर्ट्स मीट 2016 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 210 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उनके 5 अंचल के 5 रीजन से इसमें भाग ले रहे हैं और टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम, चेस और ब्रिज, ये 5 खेलों की प्रतियोगिता है एक साथ अभय प्रशाल में आयोजित की जा रही है, जो कि अपने आप में बहुत अनूठी बात है। और जहाँ तक अभय प्रशाल की तरफ से संबंध है, हमने ये स्पर्धा यहाँ कराने के लिए इसलिए भी दिलचस्पी दिखाई क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं इनमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें हम भी अपनी तरफ से सहभागी बनना चाहते थे, इसलिए हमारा भी प्रयास था कि यह स्पर्धाओं का आयोजन यहाँ पर हो। और जहाँ तक मध्य प्रदेश और टेबल टेनिस का प्रश्न है, इंदौर एक बहुत बड़ा सेंटर इंटरनेशनल टेबल टेनिस के रूप में डेवलप हो चुका है, जिसका प्रमाण यह है कि अगर हम जनवरी 2016 से देखें तो जनवरी 2016 से सितंबर तक इतनी स्पर्धाएं इंदौर में आयोजित की, शायद बहुत देश या विश्व में किसी भी एक स्थान पर टेबल टेनिस की एक साथ एक वर्ष में इतनी गतिविधियां आयोजित नहीं की गई होगी। हमने 2016 जनवरी में वर्ल्ड जूनियर सर्किट फाइनल का आयोजन किया था, उसके बाद में मार्च अप्रैल में हमने कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 10 वीक इंटरनेशनल के सहयोग से और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में किया जाता है, उसमें कोचेस डेवलपमेंट ने भी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये 3 प्रोग्राम सक्सेसफुली कंडक्ट किए। उसके बाद मई माह में हमने अंपायर ट्रेनिंग का एक सेमिनार किया था, जिसमें हम अंपायर के अपग्रेडेशन के लिए प्रयास किया और उसके पश्चात हमने इंटरनेशनल अंपायर की एग्जाम कराई थी यहाँ पर, जो इंदौर में आयोजित हुई थी। उसमें हमारे यहाँ के लगभग 8 जो नेशनल अंपायर थे वो क्वालिफाई होकर इंटरनेशनल अंपायर बने हैं मध्य प्रदेश से। उसके बाद जून माह में हमने राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, अगस्त माह में हमने एशियन होप्स टेबल टेनिस का एक बहुत बड़ा शिविर आयोजित किया, जिसमें लगभग 13 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और 7 दिनों तक आयोजित हुई शिविर का की प्रमुख प्रशिक्षक ईवा जेलर थी, जो कि जर्मनी से आई थी, उनके साथ मोनालिसा मेहता यहाँ पर आई थी। उसके बाद में हमने सितंबर माह की शुरुआत में वर्ल्ड जूनियर सर्किट टूर्नामेंट इंदौर में आयोजित किया, जिसके अंदर लगभग 125 विदेशी खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, ऑफिशियल्स और सभी ने मिला के वो सक्सेसफुली इंदौर में कंडक्ट हुआ। और अब इंडियन ऑयल की स्पर्धा के बाद 11 स्पोर्ट्स सेंट्रल जोन टेबल टेनिस टूर्नामेंट इंदौर में आयोजित किया जा रहा है 26 से 1 अक्टूबर तक, जिसके अंदर लगभग 1000 खिलाड़ी भाग लेने की संभावना है। तो इतनी सारी गतिविधियां हम सितंबर तक ही आयोजित की जा कर चुके हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि उम्मीद है कि दिसंबर तक 2 या 3 बड़े इवेंट और कराने का प्रयास हम कर रहे हैं। और इन्हीं सब कोशिशों का परिणाम है कि हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में स्थापित हो पा रहे हैं। और इंदौर में हमारे पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, जिसके कारण हम ये सारी एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे कराने में सक्षम रहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभय जी ने यहाँ पे हमें दिया है, जिसके कारण टेबल टेनिस आगे बढ़ रहा है, उसके अलावा एक बहुत बड़ी डेडिकेटेड लोगों की टीम है जो टेबल टेनिस को आगे लाने के लिए प्रयासरत है, जिसमें ओम सोनी सर हमारे चेयरमैन हैं, श्री नरेंद्र कौशिक जी हैं, उनके साथ में शरद गोयल, प्रमोद गंगराड़े, गौरव पटेल, नीलेश वैद, और सबसे प्रमुख भूमिका हमारी राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन रिंकू आचार्य, जो मेरी पत्नी भी है, उनका दोहरा सहयोग रहता है टेबल टेनिस और घर, जिसके कारण हम इस पूरे टेबल टेनिस के जो एटमॉस्फेयर, इसको आगे बढ़ाने में और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कराने में सफल रह सके हैं। उसका एक यह भी कारण है कि हमारे पास बहुत बड़ा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बहुत डेडिकेटेड लोगों की टीम है, ये दोनों का जब मिक्सचर होता है तो बेटर परफॉर्मेंस और बेटर आउटपुट आता है, ऐसा मेरा मानना है।